हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम बात करेंगे साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव जोशी के बारे में, जिन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के तरफ से इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 का। तो जानेंगे इनके बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉम्सन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी आविष्कारक डॉक्टर जोशी को प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड का सम्मान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, उनके नाम लगभग 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कई खोज की है। डॉक्टर जोशी नोवेल इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फॉर स्केलिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स फॉर प्रिडिक्टिव फेलियर एनालिटिक हाई परफॉर्मेंस हाई बैंडविड्थ एंड लो पावर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मेमोरीज से लेकर कई प्रकार के आविष्कारों में शामिल रहे हैं। इन विकासों ने दिन प्रतिदिन की विभिन्न ज़रूरतों के लिए बेहतर इलेक्ट्रॉनिक समाधान बनाने में मदद की है। डॉक्टर जोशी को 2018 में IEEE डेनियल या नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है। यह तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। और दूसरा पुरस्कार 2013 में इंडस्ट्रियल पायोनियर अवार्ड फ्रॉम द IEEE सर्किट्स एंड सिस्टम सोसाइटी द्वारा दिया गया है। राजीव जोशी ने IIT मुंबई से पढ़ाई की है और उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MS की डिग्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की है। डॉक्टर जोशी ने IIT मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है जहां से इन्होंने MS किया था और इन्होंने 1977 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। डॉक्टर जोशी के नाम 250 से ज़्यादा पेटेंट हैं, जिसमें सेल्फ इवेल्यूटिंग एरे ऑफ मेमोरी प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलोन बेस्ड कंपाउंड्स बिल्डिंग एंड मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स प्रोफाइल्स यूजिंग मशीन लर्निंग, ये सब हैं और भी हैं। आई होप आपको डॉक्टर जोशी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ये था एंड इस वीडियो का। सो थैंक यू, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।